किंग्स इलेवन पंजाब का ये आईपीएल सीजन शानदार तरीके से शुरू हुआ। शुरुआत में टीम बेहतरीन प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन अब टीम आखिरी मुकाबलों में हार के बाद पिछड़ती हुई नजर आ रही है। पिछले मैच में राजस्थान के हाथों हार के बाद टीम की ओनर प्रीति जिंटा और टीम के मेंटर वीरेंद्र सहवाग में जोरदार बहस हो गई। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि वीरेंद्र सहवाग टीम छोड़ देंगे। पिछले मैच में हैरानी की बात यह थी कि टीम के कप्तान आर अश्विन तीसरे नंबर पर बैटिंग करने आए, जिसे हार की वजह माना जा रहा है। इसके पीछे सहवाग की राय भी मानी जा रही है। इस वजह से प्रीति जिंटा काफी नाराज लग रही थी। बता दें कि सहवाग पिछले 5 साल से किंग्स इलेवन पंजाब के साथ जुड़े हुए हैं और टीम के मालिक प्रीति जिंटा नेसवाडिया और बिजनेसमैन मोहित वर्वन हैं। सूत्रों के अनुसार प्रीति के बात करने के लहजे और तीखे आरोपों से वीरेंद्र सहवाग इतने आहत हैं कि वो पंजाब की टीम के साथ चल रहे 5 साल पुराने संबंध को भी खत्म कर सकते हैं। पिछले मैच में राजस्थान रॉयल्स से मिले 158 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब की टीम के लिए लक्ष्य बहुत भारी पड़ा। हालांकि टूर्नामेंट में कमजोर मानी जा रही राजस्थान की टीम ने किंग्स इलेवन पंजाब को आसानी से हरा दिया। फिलहाल अंक तालिका में पंजाब तीसरे नंबर पर है। सूत्रों के अनुसार मैच के बाद जब खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में भी नहीं पहुंचे थे, प्रीति जिंटा गुस्से में वीरेंद्र सहवाग के पास पहुंची। उन्होंने सहवाग से मैच में टीम की तकनीक और रणनीति को लेकर बेहद कड़े अंदाज और तल्ख शब्दों में आपत्ति जताई। आदर्श कुमार, जनमन टीवी।